श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 12। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। पहले के 11 भागों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसकी प्लेलिस्ट वाल्मीकि रामायण को एक्सेस करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अब आगे षटष्टीतमः सर्गः। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा, भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षे, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही, महाराज राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृतांत सुनिए, जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे, उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम्पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनिश्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर्य शुल्का पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट होने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। मुनि पुंगव तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके।
महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मुनिवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। मुनि श्रेष्ठ, पूरे एक वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगनी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा, जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षे, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। सप्तषष्टितमः सर्गः। श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5,000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन, मिथिलापते राजेंद्र यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का यह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महामनस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब
धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैं सीता को वीर्य शुल्का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। ब्राह्मण कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस समय प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्द ही यहाँ बुला लाएं। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। अष्टषष्टीतमः सर्गः। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा जनक की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष से भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। महाबहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहितों के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो
कौसल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहां महात्मा राजा जनक ने कुकुत्स कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब ना हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे, राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। एकोन सप्ततितमः सर्गः। दलबल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगनी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। आज मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन, ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार हो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगनी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। चार दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारियां की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएँ पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो। मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, धर्मज्ञ, मैंने पहले से ये सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का यह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की।
सप्तितमः सर्गः। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला का वरण करना। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज, जो अत्यंत धर्मात्मा हैं, इस समय इशुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। वहाँ उपस्थित रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उनके महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया, फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इश्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा मानकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहितों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इश्वाकु कुल में देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मारीच की उत्पत्ति हुई। मारीच के पुत्र कश्यप हैं, कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इश्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इश्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इश्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था, वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था, वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से प्रथु और प्रथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ।
त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धंधुमार थे। धंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवानाश्व का जन्म हुआ। युवानाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ है तालजंग और शशबिंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने वाले थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय एक रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा, अतः कमल लोचने, तुम पुत्रों के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकुत्स और कुकुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के महातेजस्वी पुत्र प्रवर्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उनके शंख नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंख के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन से अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुक्षुक और प्रशुक्षुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नुहुष हुए। नुहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ और इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं, अतः आप कन्यादान करें। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।